आप सभी को जय मसीह की बच्चों, विश यू अ वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे। अच्छा बच्चों, आज हम लोग एक बहुत स्पेशल स्टोरी सुनने वाले हैं और वो है गॉस्पेल स्टोरी। अच्छा बच्चों, इस स्टोरी का नाम है माफी। हाँ तो बच्चों, ये स्टोरी है एक राजा के महल की और वहां पर एक बच्चा रहता था, उसका नाम है रोजर। रोजर राजा के महल के रसोई में यानी कि किचन में उसकी साफ सफाई करता था और वहां पर जो चीफ बटलर है यानी कि मुख्य नौकरानी, वो उसके अंडर में काम करता था और वो उनकी हेल्प करता था। बच्चों आपको क्या लगता है, जब हम छोटे हैं और अब जब हमको ऐसे काम करना पड़ेगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा? है ना, हमें अच्छा नहीं लगेगा ना। बट आपको पता है बच्चों, रोजर तो बहुत खुश था। पता है क्यों? क्योंकि थोड़ी देर में काम करने के बाद उसे खेलने को मिलता था। वो बहुत अच्छे से अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकता था। और बच्चों आपको पता है उसका फेवरेट गेम क्या था? उसको निशाना लगाना बहुत अच्छा लगता था और वो तीर से या गोलेर से किसी से भी बहुत अच्छे से निशाना लगाता था। अच्छा बच्चों, क्या आपको पता है कि किचन में यानी कि रसोई में एक चीज जब आ जाती है ना तो पूरा उसको तहस नहस कर देती है? चूहा। और जब चूहा रसोई में आ जाता था, किचन में आ जाता था, राजा के महल के किचन में, तो रोजर का काम बहुत बढ़ जा चला जाता था और फिर रोजर को साफ सफाई करनी पड़ती थी। तो रोजर को चूहे से बहुत नफरत थी ना। फिर चूहे को देखता है और सोचता है कि अच्छा मैं इस चूहे को मार दूंगा। और जैसे वो भागने लगता है ना, निशाने लगाऊंगा और मैं इसको मार डालूंगा। और वो कोशिश करता है कि इसको मारने की, पर थोड़ा अंधेरा हो रहा था और रोजर कोशिश कर रहा था कि वो उस चूहे को मारे। तो बच्चे बच्चे पता क्या हुआ, उसने तीर से निशाना लगाया और मारा भी, बट चूहा तो भाग के निकल गया। फिर रोजर को लगा, अरे मेरी तीर गई तो गई कहाँ, यहाँ पे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और ये चूहा भी भाग गया है। तो फिर उसके बाद पता है बच्चों, उसको कुछ समझ आता है। अच्छा उसको क्या समझ में आया वो बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वो राजा जिसके महल में रोजर काम करता था ना, उन राजा को हंस स्वैन बहुत पसंद है, इसलिए उन्होंने अपने पॉन्ड में तालाब में हंस पाल रखे हैं। तो बच्चे आपको पता है क्या हुआ, जब रोजर ने निशाना लगाया था ना, वो जाकर पता है किसको लगा, एक हंस को लगा और उसके गर्दन पे लगा और वहां से खून बहना स्टार्ट हुआ। और पता है बच्चों क्या हुआ, उसका खून बह बह के वो मर गया। अब रोजर को तो समझ में नहीं आ रहा है, अब तो उसको बहुत डर लग रहा था कि क्या करूं। अच्छा बच्चों, एक गड्ढा खोदा और फिर उसको उस पर दफना दिया। अब उसे लगा अच्छा चलो अच्छा है, अब पड़ा है और तब अब तो मैं बच सकता हूँ, कोई मुझे पहचान भी नहीं सकता कि मैंने पहले एक हंस। ये सोच के रोजर ने उसको वहां पर दफना दिया। पर बच्चों आपको पता है क्या हुआ, जब रोजर उस मरे हुए हंस को दफना रहा था, तब वो जो मुख्य नौकरानी थी ना, चीफ बटलर, उन्होंने देख लिया। और जब उन्होंने देख लिया तो उन्होंने कुछ नहीं बोला रोजर को। बट जब रोजर अपना सारा काम कर चुका था और जैसे वो हर दिन अपने खेलता था, तो आज भी वो अपने एक जगह पर बैठ के खेलने लगा। और जैसे मैंने आपको बताया बच्चों, उसका फेवरेट गेम क्या था, निशाना लगाना है ना, तो वो ही खेल रहा था। तो वो जो चीफ बटलर थी नौकरानी, तो वो आई रोजर के पास और उन्होंने बोला रोजर, तो रोजर ने बोला मैंने आज का सारा काम कर लिया है, आप मुझे अभी क्यों बुला रहे हैं? तो वो कहती है रोजर से, रोजर आज तुमने क्या किया? तो रोजर कहता है मैंने क्या किया, आज मैंने बस अपना काम किया है और अब मैं आके खेल रहा हूँ। तो फिर वो कहती है रोजर तुमने आज और कुछ भी किया है ना? अच्छा तब रोजर को समझ में आ जाता है कि शायद उन्होंने सब कुछ देख लिया। तो फिर रोजर कहने लगता है क्या आपने सब कुछ देख लिया? तो वो कहती है हाँ मैंने तो सब कुछ देख लिया है। और उसके बाद वो नौकरानी कहती है कि रोजर आज से ना तुम अपना भी काम करोगे और मेरा भी काम करोगे। तो रोजर कहता है क्यों, मैं आपका काम क्यों करूंगा? तो वो कहती है कि अगर तुमने मेरा काम नहीं किया ना,
तो मैं जाके राजा को बता दूंगी कि तुमने उनका फेवरेट हंस जो है उसको मार दिया है और दफना भी दिया है। फिर जब उनको पता चलेगा, वो किसी ना किसी सैनिक को बुलाएंगे और तुम्हें मरवा डालेंगे। अब रॉजर बहुत डर गया, अरे ये क्या हो गया मुझसे, अब तो शायद मैं बच नहीं सकता। अब रॉजर को ना पसंद होते हुए भी रॉजर को नौकरानी की बात माननी पड़ी। तो अब से वो रॉजर जो थोड़ा सा काम करके खेलता था, अब उसे दिन भर रात भर बहुत मेहनत करके ये सब काम करना पड़ रहा था। उसे वो जो नौकरानी है उनका भी काम करना था, उसको अपना भी काम करना था। पहले वो जो थोड़ी देर खेल सकता था, अब वो खेल भी नहीं सकता। अब पूरा दिन पूरा रात उसको सिर्फ काम ही काम करना पड़ता है। और फिर एक और, आपको पता है बच्चों, वो नौकरानी वहीं पे नहीं रुकी। उन्होंने बोला, रॉजर अब से तुम्हें और ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो रॉजर गुस्से से बोलता है, अरे मैं तो ऑलरेडी इतना काम कर रहा हूँ, मुझे और काम क्यों करना पड़ेगा। तो वह कहती है, रॉजर क्या मैं राजा को बता दूं कि तुमने उनका फेवरेट हंस मार दिया है। तो फिर रॉजर डर जाता है और फिर बोलता है, नहीं 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 आप प्लीज किसी को भी मत बताना, आप जितना काम बोलोगे ना मैं उतना काम करूंगा। बच्चों आपको पता है एक टाइम था जब रॉजर बहुत खुशी खुशी अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता था और महल में भी बहुत मस्ती करता था। उसको जैसे मन करता वैसे खेलता था, जब मन करता तब अपने फ्रेंड से बात करता था और जहां चाहे वहां जाता था। बट पता है बच्चों अभी उसकी हालत कैसे बन गई थी, कि दिन भर रात भर सिर्फ काम ही काम करता था। और आपको पता है बच्चों क्या हो गया, देखो उसके हाथ दुख रहे थे, उसने अपने हाथ पे पट्टी भी बांध रखी है, उसके आंखें दर्द हो रहे थे, उसका सिर पे दर्द हो रहा था, बहुत बुरा हाल हो गया था। और पता है वो जाके ना अपनी अपनी वो मुख्य नौकरानी को जाके बोलता है कि देखो आप ना मुझसे इतना सारा काम मत करवाओ, मुझे मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं इतना सारा काम नहीं कर पा रहा हूँ। पर पता है वो उसकी बात बिल्कुल नहीं मानती है। वो कहती है कि तुम्हें करना ही होगा, अगर तुम नहीं करोगे ना तो मैं जाके राजा को सब कुछ बता दूंगी। जब रॉजर ये बात सुनता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। उसे पहले गुस्सा आता है कि अरे मैंने इतना गलत काम क्यों किया, मैंने कैसे कर दिया ये गलत काम। और फिर उसे लगता है अब मैं ऐसे नहीं जी पा रहा हूँ, या तो मैं राजा को बता देता हूँ, अगर उनको मारना है तो वो मुझे मार दे, इस लाइफ से इस जिंदगी से तो अच्छा ये है कि मैं मरी जाऊं। इतना बुरा है, दिन भर रात भर बहुत मेहनत करके काम करना, मेरे हाथ पैर भी दर्द हो रहा है, इतना सारा काम दिन भर, और कभी बाहर भी जाने को नहीं मिलता है, ना कभी मैं खुश रहता हूँ, इससे अच्छा तो ये है कि मैं मर जाऊं। और वो उस दिन डिसाइड करता है कि अब तो मैं राजा के पास जा रहा हूँ, अब मैं राजा के पास जाऊंगा और उनको मैं सब कुछ बता दूंगा। और ये भी डिसाइड करता है कि मैं राजा से माफी मांगता हूँ, अगर उन्होंने माफ कर दिया तो ठीक है, नहीं तो वो मार डालेंगे, बट मुझे ऐसे नहीं रहना है। तो जब रॉजर ये डिसाइड करते हैं तो फिर उसके बाद वो जाते हैं राजा के पास जाते हैं। और वहां जाके राजा को बोलता है कि रॉजर राजा राजा मैंने ना आपके फेवरेट हंस को मार दिया है, एंड आई एम सो सॉरी, अब मुझे माफ कर दीजिए, मैंने उसको आपके तालाब के पास में उसको दफना दिया है ताकि किसी को पता नहीं चले, पर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके वो फेवरेट हंस को मार दिया है। तो पता है अब रॉजर को बहुत डर लग रहा था कि शायद अब तो मेरी अब अभी मेरी आखिरी आखिरी टाइम चल रहा है, अब तो मैं गया। बट पता है बच्चों क्या होता है, राजा एक स्माइल देते हैं और कहते हैं कि हाँ मुझे बुरा तो लगा कि मेरा फेवरेट हंस मर गया है, तो चलो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया, मैं दूसरा हंस मेरे पास दूसरे हंस है ना, मैं उनको देख लूंगा। अब रॉजर को इतनी खुशी हुई कि राजा ने उसको मार नहीं डाला, बट उन्होंने उसको माफ कर दिया। और पता है बच्चों राजा और क्या कहते हैं, राजा कहता है कि मुझे तो उसी दिन पता था जब तुमने मेरे हंस को मार दिया था। तो अब रॉजर को लगता है अच्छा इनको उसी दिन पता था, बट फिर भी इन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। तो कहते हैं कि
हाँ रॉजर, मैं तो जानता हूँ कि तुमने मेरे हंस को मारा है, बट मैं इतना बुरा नहीं हूँ कि मेरे फेवरेट हंस को के मर जाने से मैं किसी इंसान की हत्या करूँ। तो तब समझ में आता रॉजर को कि अरे, हमारे राजा तो कितने प्यार करते हैं, कितने अच्छे हैं, कितने समझदार हैं, और हमें हमारे लिए कितना केयर करते हैं। और वो बहुत खुश हो जाता है, और तब उसे समझ में आता है कि अच्छा, अब से मुझे दिन भर रात भर काम करने की जरूरत नहीं है, अब मैं फिर से अच्छे से जी सकता हूँ, अब मैं फिर से पहले की तरह खेल सकता हूँ, और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अच्छा बच्चों, आपको पता है, और राजा ने ये भी बोला कि रॉजर, तुम्हें निशाना लगाना बहुत अच्छा लगता है ना। अच्छा, मैं ऐसे करता हूँ कि जो मेरे सैनिक को जो ट्रेनिंग देते हैं ना, तो मैं आपको वहां भेजूंगा, आप वहां जाओ और जितना अच्छे से आप निशाना लगाना सीख सकते हो सीखो, और आप फिर उसको हमारे जो एनिमीज है, हमारे जो शत्रु है, उन पे यूज करना, और आप हमारे देश की रक्षा करना। और पता है बच्चों क्या होता है, ऐसे ही रॉजर जाता है वहां पर और सैनिकों के साथ सीखता है और सब कुछ सीखता है, और फिर वो एक बहुत अच्छा सोल्जर बन जाता है, बहुत अच्छा सैनिक बन जाता है। तो बच्चों, ये थी रॉजर की कहानी, आपको कैसे लगी? अच्छा बच्चों, अभी हम देखते हैं कि हमने इस कहानी से क्या सीखा। अच्छा बच्चों, आपको पता है बाइबल क्या कहती है, कि हम सब ने पाप किया है और हम सबको पता है एक पनिशमेंट होनी चाहिए, पनिशमेंट होगी। बच्चों, ये रोजर की कहानी ना एक्चुअली हमारी कहानी है। जैसे रोजर ने उस हंस को मार दिया था, वैसे ही पता है बच्चों, हम लोगों ने भी बहुत गलत काम किया है। बच्चों, बाइबल कहती है रोमियो 3:23 में कि सबने पाप किया है, सबने कुछ ना कुछ गलत किया है, और हमने भी किया है। जब हम झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, मम्मी पापा की बात नहीं मानते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते, प्रभु की बात नहीं मानते, होमवर्क नहीं करते हैं, या शैतानी करते हैं, किसी को सताते हैं, ये सब गलत काम है बच्चों, और हम लोग ये करते हैं। और बच्चों, आपको पता है, जब भी हम पाप करते हैं ना, तो हर एक पाप का एक जजमेंट होगा, एक दिन प्रभु हमसे न्याय मांगेंगे, वो बोलेंगे कि सबसे पूछेंगे, अरे तुमने ये काम क्यों किया, तुमने ये काम क्यों किया। और पता है बच्चों उसके बाद क्या होगा, उसके बाद न्याय होगा, उसके बाद उन सब लोगों को उनके गलत कामों का पनिशमेंट मिलेगा। और पता है बच्चों वो पनिशमेंट क्या है? हाँ, वो है नर्क। और जैसे प्रकाशित वाक्य 20:14 में लिखा है कि अधोलोक आग की झील में डाले जाएंगे वो लोग। और पता है ये एक दिन दो दिन नहीं, ये युगानुयुग तक होता रहेगा। तो बच्चों, आपको पता है, हमें इसमें जाने की जरूरत नहीं है, पर हम क्या करें? पता है, हम लोग जब भी पाप करते हैं ना, हम उसके स्लेव बन जाते हैं, हम उसके दासी बन जाते हैं। जब हम लोग पाप करते हैं ना बच्चों, तो फिर उसके बाद हमें वो करना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम उसके स्लेव है, हमारे पास अब ऑप्शन नहीं है कि हम लोग चूज करें कि मैं करूँ या नहीं करूँ, हमारा स्वभाव ही पाप का स्वभाव है। और पता है बच्चों, जब हम लोग इस पाप के स्वभाव में जीते हैं ना, तो हम जाने या अनजाने में, जानबूझ के या नहीं जानते हुए, हम पाप कर बैठते हैं। पर पता है बच्चों क्या, बाइबल में लिखा है Romans 28:13 में कि जो कोई अपने पाप को छुपाएगा ना, वो कुछ नहीं कर सकता अपने लाइफ में, वो कभी भी प्रॉस्परस नहीं होगा। बट जो अपने पाप को मान लेता है ना, तो उसे क्या मिलती है? कृपा मिलती है, ही विल ऑब्टेन मर्सी। तो बच्चों, आपको पता है, जैसे राजा ने रॉजर को माफ किया ना, क्षमा दी ना, ऐसे यीशु मसीह हमें माफ कर सकते हैं। पता है क्यों बच्चों? क्योंकि उन्होंने हमारे लिए अपनी जान दी है क्रूस पर। यीशु मसीह ने बोला कि ये बच्चे ने जो भी गलत काम किया है ना, वो सब मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, और उन्होंने हमारे लिए अपनी जान दी, वो हमारा जो पनिशमेंट था उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। और पता है बच्चों, इतना ही नहीं, उनका जो लहू है ना, उनका जो खून है ना, जब हम उनसे बोलते हैं कि प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये गलत काम किया है, तब प्रभु यीशु हमें अपने लहू से धोते हैं और हमारे हार्ट को क्लीन कर देते हैं। तब फिर हमें वो जो बुरा लगता है ना कि अरे मैंने ये गलत काम किया, ये मैंने गलत कर दिया, पता नहीं मैंने क्यों किया, जिसको कहते हैं गिल्ट, तब हमें वो गिल्ट नहीं होता है। तो यीशु मसीह हमें इससे छुड़ा देते हैं।
और पता है बच्चों, जैसे राजा ने रोजर के लाइफ में जो टैलेंट था उसको पहचाना और उसको यूज करके उसे एक बहुत महान सैनिक बनाया, ऐसे पता है बच्चों प्रभु यीशु मसीह भी हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स रख रखे हैं। तो यिर्मयाह उसके 29:11 पता है बच्चों क्या कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि के नहीं वरन खुशहाली के हैं। प्रभु हमारे लिए बहुत महान महान प्लान्स बना रखे हैं। बट बच्चों ये पता है सब कहाँ कब स्टार्ट होता है? जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाते हैं, जब हम प्रभु से बोलते हैं प्रभु मुझे आप माफ कर दीजिए मैंने बहुत गलत काम किया है, और जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में इनवाइट करते हैं कि प्रभु आप आओ मेरी लाइफ में और आप मेरे प्रभु बनो, आप मेरे फ्रेंड बनो। और उसके बाद पता है बच्चों प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ रहते हैं। बच्चों ये है आपकी मेमोरी वर्स रोमियो 10:9 कि यदि तुम अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करो और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अच्छा बच्चों ये थी हमारी आज की स्टोरी और मुझे लग आई होप कि आप इसको जरूर पसंद करोगे। और बच्चों मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ये प्रेयर नहीं किया है या आपको लगता है कि मैंने तो कोई गलत काम किए ही नहीं है, तो बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्रेयर करो कि प्रभु मुझे तो लगता है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, बट प्रभु अगर मेरे अंदर कुछ गलत काम है तो आप प्लीज मुझे दिखाइए। और बच्चों मैं मानती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह हमें हमें जरूर दिखाएंगे कि हमने कहाँ गलत काम किए हैं। और बच्चों जब प्रभु आपको दिखाए ना कि आपने कहाँ गलत किया है, तो आप जरूर तब प्रभु यीशु मसीह के पास आना और आप उनसे बोलना कि प्रभु मैंने गलत काम किया मुझे माफ कर दीजिए, मेरे दिल को आपके लहू से धोकर शुद्ध कीजिए और मुझे अपने बच्चे जैसे अपने अपने बेटे की तरह या बेटी की तरह स्वीकार कीजिए। अच्छा बच्चों आई होप आज की स्टोरी से आपने बहुत कुछ सीखा है। ओके, May God bless you.